एबी डिविलियर्स के अचानक संन्यास लेने से क्रिकेट जगत हैरान है। डिविलियर्स क्रिकेट जगत के अपने समय के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार हैं। वह बेशक दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी थे, लेकिन भारत से भी उनका गहरा नाता है। उन्होंने हाल ही में कहा कि वह आधे भारतीय और आधे अफ्रीकी हैं। डिविलियर्स आईपीएल में आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए खेलते थे। उनके संन्यास के बाद क्रिकेट दिग्गज यहां तक कह रहे हैं कि अब आरसीबी को समझ नहीं आ रहा होगा कि कौन से खिलाड़ी को रिटेन करें और किसको डिविलियर्स की जगह रखें। एबी डिविलियर्स के क्रिकेट करियर की बात करें तो एबी ने 114 टेस्ट मैचों में 8,765 रन बनाए, वहीं 228 वनडे मैचों में 9,577 रन बनाए। वनडे में उनका बल्लेबाजी औसत 53 से ज्यादा है। डिविलियर्स ने कुल 78 T20 मैच खेले हैं, जिसमें 1,672 रन बनाए हैं। एक खास बात और बता दें, एबी डिविलियर्स बेशक भारत से प्रेम करते हैं, लेकिन टेस्ट मैचों में अपनी पहली डबल सेंचुरी उन्होंने भारत के खिलाफ बनाई थी। डिविलियर्स ने दक्षिण अफ्रीका की ओर से वनडे में सबसे तेज अर्धशतक, सबसे तेज शतक और सबसे तेज 150 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। वह 16 गेंद पर अर्धशतक, 31 गेंद पर शतक और 64 गेंद पर 150 रन बना चुके हैं। उन्हें 3 बार आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, वहीं साल 2019 में दशक के 5 विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में से एक एबी डिविलियर्स चुने गए। डिविलियर्स सिर्फ क्रिकेट नहीं, अन्य तमाम कामों में भी शानदार परफॉर्मर रहे हैं। डिविलियर्स ने साल 2010 में एक म्यूजिक एल्बम भी बनाया था। इस एल्बम में अफ्रीका के एक सिंगर भी थे। साल 2016 में एबी डिविलियर्स की ऑटोबायोग्राफी भी पब्लिश हुई थी। एबी डिविलियर्स की लव लाइफ का ताजमहल से गहरा संबंध है। दरअसल एबी डिविलियर्स ने अपनी गर्लफ्रेंड डेनियल स्वार्ट से 5 साल तक डेटिंग की, लेकिन प्रपोज नहीं किया। इसके बाद साल 2012 में ताजमहल के सामने स्वार्ट को प्रपोज किया। उनके हाँ कहने पर दोनों की शादी तय हुई, यानी ताजमहल ही था जिसके सामने स्वार्ट का उनकी पत्नी बनना तय हो गया। 30 मार्च 2013 में दोनों ने शादी कर ली। डिविलियर्स के संन्यास लेने पर उनकी पत्नी ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल लेटर भी लिखा है, जो काफी शेयर किया जा रहा है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल NN Sports को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।